लैंटर गिरा था और बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की परेशानियां भी आ रही हैं। मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड शमशान घाट पर यह हादसा हुआ जहां अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड शमशान घाट का ये मामला, ये तस्वीरें उसी हादसे की जहां रेस्क्यू किया जा रहा है, जेसीबी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है, कई लोग घायल हुए जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड शमशान घाट पर यह हादसा हुआ और इस हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त, जहां 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट हादसे को लेकर, चूंकि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, कुछ देर पहले संख्या 8 थी, अब 18 तक पहुंच चुकी है। देखिए बिल्कुल ये कहना ठीक होगा राजेश कि साल की शुरुआत में ही ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में अभी से कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि 8 लोग हैं, उसके बाद 12 लोगों की पुष्टि हुई थी, उसके बाद 14, 16 और अब ये जो आंकड़ा है बढ़कर 18 हो गया है। तो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली बात है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ये कहा गया था कि जो लोग हैं उनकी संख्या तकरीबन 35 से 40 बताई जा रही थी जो कि शमशान घाट पहुंची थी और इस अंत्येष्टि में शामिल हुई थी। आपको बता दें एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जिसके बाद उसको अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट लाया गया था, मुरादनगर के शमशान घाट जो कि बॉम्बे के पास पड़ता है, और वहीं पर ही हादसा हुआ है जब अंत्येष्टि कर रहे थे उसके बाद जो भीड़ थी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और पंडित ने पूजा करने के लिए उनको एक जगह पे खड़ा किया तभी ये लैंटर भरभरा कर नीचे गिर गया। ये हादसा इतना बड़ा था कि तभी भागने की भी जगह नहीं मिली उन लोगों को और वो लोग सभी लोग लैंटर के नीचे दब गए और इतना ही नहीं उसके बाद जो ऊपर का लैंटर था वो भी लैंटर के ऊपर गिर गया, यानी कि एक लैंटर गिरा और उसके ऊपर जो दूसरा लैंटर था वो भी गिर गया। बेहद चौंकाने वाली और बेहद भावे दृश्य था क्योंकि लाशें दबी हुई थी और ऐसे में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि राजेश आपको बता दें कि जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ये लापरवाही नहीं होती तो जाहिर तौर पर जो लोगों की मौत हुई है वो लोग कहीं ना कहीं बच सकते थे। लेकिन जितेंद्र, जो इस तरीके की हालात थी, अगर उसकी हालत ऐसी थी, क्या इसकी शिकायत जो देखरेख कर रहा है उसने कहीं की थी, क्योंकि प्रशासन को क्या इसकी भनक नहीं थी कि ऐसी हालत है कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है? देखिए राजेश, ये देहात का इलाका है, अमूमन तौर पर यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहां पर ऐसे ही हालात पहले से ही बने हुए हैं, कोई हादसा होता है तभी जाकर प्रशासन की आंख खुलती है और ऐसे में ये जो हालात हुए हैं ये हालात एक नजरअंदाजी से है, एक बड़ी लापरवाही से है, जाहिर तौर पर इतने लोगों की जान गई है एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि गाजियाबाद में तमाम ऐसी जगह है जहां पर ये लापरवाही बरती जा रही है और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस घटना के बाद प्रशासन कितना जागता है और किस तरीके की कार्रवाई करता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हुई है और जिस तरीके से लगातार इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है उस पर संज्ञान लेते हुए जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी बेहद दुख जताया है क्योंकि साल की शुरुआत का ये तीसरा दिन है और इसमें इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं बेहद बेहद चौंकाने वाली बात है और बेहद दर्दनाक घटना है। जी हेलो जितेंद्र, क्या इस वक्त वहां पे रेस्क्यू पूरा हो चुका है या अब भी मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है? देखिए राजेश, जो कि मलबा है वो काफी ज्यादा था इसलिए वहां पर जो संकरी जगह है इसलिए वहां पर आने में जो क्रेन है जेसीबी की गाड़ियां हैं उनको आने में खासा परेशानी हो रही थी। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने काफी मलबे को हटा दिया है लेकिन अभी भी तकरीबन 20 से 25% मलबा रह गया है और आशंका ये जताई जा रही है कि इस मलबे में और भी लाशें हो सकती हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है जो कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पहले 8 से शुरुआत की गई थी, 8 से 12, 12 से 16 हुए थे और अब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक हादसा है और इस हादसे से जाहिर तौर पर गाजियाबाद प्रशासन को संज्ञान लेना होगा कि ऐसी लापरवाही ना बरती जाए जिससे कि आगे होने वाले हादसों से कहीं ना कहीं बचा जाए। जी राजेश। जितेंद्र, किसी आला अधिकारी ने इस पे कोई बयान दिया, कोई बात की, स्थिति को साफ किया कि अभी क्या हालात है वहां पे, क्या रेस्क्यू पूरा हो चुका है, कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, या फिर ये हादसा जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, किस पे कार्रवाई होगी?
देखिए राजेश, अभी जांच की बात चल रही है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और आला अधिकारी एसडीएम समेत वहां पर मौजूद है, जो कि लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिर ये इसका मुख्य कारण क्या था। लेकिन जो कि जमीन स्तर की सच्चाई तो वो बता सकता है जो वहां पर मौजूद था, और जो लोग वहां पर अमूमन तौर पर शमशान घाट का इस्तेमाल करने के लिए, अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी साफ तौर पर कहना है। एक शख्स हमारे साथ हमसे बात करते हुए उसे बताया कि वो अंत्येष्टि करने के लिए वहां पर आया था और ये जो इमारत है पूरी तरीके से भरभरा कर नीचे गिर गई। इससे पहले ही अंदेशा था कि इमारत काफी जर्जर हालत में है, जो कि पिलर पे खड़ी थी, मजबूत पिलर नहीं थे, इस वजह से पूरी इमारत गिरी है और इसमें इतने लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये जो पूरी घटनाक्रम है एक बड़ी लापरवाही का साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है, और इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इमारत है ये एक पतले पिलर पर खड़ी थी और इसी वजह से इमारत गीली हो जाने की वजह से, क्योंकि बारिश है इस वक्त, सर्दी है और बारिश भी हो गई है, और बारिश से कहीं ना कहीं इमारत पूरी तरीके से इसमें पानी भर गया था और उसके बाद ये इमारत भरभराकर नीचे गिर गई, जिसमें तकरीबन 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा जाहिर तौर पर राजेश बढ़ सकता है। जी राजेश, जितेंद्र, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पे कितने लोग मौजूद थे, और चूंकि 18 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है? देखिए राजेश, अब तक जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक पहले 6 लोगों को निकाला गया था जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निकट के अस्पताल में भेजा गया था, फिलहाल एमएनजी में उनका इलाज चल रहा है। अब ये आंकड़ा तकरीबन 12 का हो चुका है, एक दर्जन लोगों का इलाज चल रहा है, वही 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा है क्योंकि पहले 8 संख्या थी, उसके बाद 12, 14 और अब 18 हो गई है। कहीं ना कहीं अंदेशा ये भी रहा है कि अभी और लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन कर सकता है, क्योंकि अभी तकरीबन 25% मलबा रह गया है जो कि हटाना बाकी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार भरसक प्रयास कर रही है क्योंकि बारिश की वजह से वहां पर काफी कीचड़ का माहौल हो गया है और इस वजह से वहां पर जेसीबी जाने में खासा परेशानी हो रही है। हालांकि जिस तरीके से एक बड़ा मलबा हटाया है वो काफी काबिले तारीफ है, हालांकि क्योंकि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी और एनडीआरएफ के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। डीएम शंकर पांडे ने वहां जाकर मोर्चा संभाला, एसएसपी करणी नेशाली भी मौके पर मौजूद है और एसडीएम लगातार इस पूरे मामले की देखरेख कर रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है इस पूरे मामले को लेकर। साल का तीसरा दिन है और इतना बड़ा हादसा कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला है, और जो लापरवाह है, जिनकी लापरवाही के पीछे इन लोगों की जान गई है, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों कह रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई मीडिया के सामने उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। जी जितेंद्र, शासन प्रशासन की तरफ से क्या मुआवजे का कोई ऐलान किया गया मृतकों के परिजनों के लिए, और जो घायल हैं क्या उनके इलाज की व्यवस्था कोई की गई, इस तरह की कोई बयान? देखिए राजेश, अभी आला अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे क्योंकि लगातार वहां से जो लाशों का मिलने का सिलसिला जारी है, ऐसे में अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, तो वो मीडिया को ब्रीफ करने के लिए जो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कुछ देर और रुकने के बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, जो लोग जिनकी मौत हुई है उनको कितना मुआवजा मिलता है और जो लोग उसमें तकरीबन जो लोग बीमार, जो लोग जिनको चोटिल हुए हैं उनको कितना मुआवजा। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र अभी मेरे पास ये जानकारी आ रही है कि जो, हाँ जितेंद्र, अभी हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि जो मृतक है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। जी राजेश, बिल्कुल ठीक है राजेश, 2-2 लाख रुपए का अभी ऐलान किया गया है। हालांकि अभी जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने 2-2 लाख की पुष्टि करी है, लेकिन अभी आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ ना जाए इसको लेकर अभी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है और लगातार जो लाशों का मिलने का सिलसिला जारी है, जिनकी मौत हुई है उनके मरने वालों की पुष्टि करते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने 2 लाख के मुआवजे की लिए कहा है, और जो जो अभी चोटिल हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, उनके लिए भी मुआवजे की एक रकम, तयशुदा रकम बताई गई है। हालांकि अभी जो आंकड़ा है वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है। जी राजेश, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए, मैं फिर आपसे अपडेट लूंगा, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और बताया जा रहा है कि जो मृतक है उनके परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो गाजियाबाद शमशान घाट हादसे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, जिसमें मलबे में दबने से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब भी कुछ